नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। जुलाई का तीसरा सप्ताह, सावन का महीना, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा टाइम। जो लोग मोक्ष की प्राप्ति, जो लोग किसी अपनी बीमारी से परेशान, जो लोग धन धन्य के चक्कर में व्यस्त, उन सभी के लिए शिव को मनाने के लिए एक अच्छा समय है भगवान भोलेनाथ का। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था और अपने बाकी वीडियोस में भी बताया कि शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आप वो फॉलो करते हैं और शिव शंकर प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण और आपके स्वास्थ्य की वृद्धि, वैभव में वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएँ होती हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरे पिछले वीक के, पिछले सप्ताह के जो राशिफल्स हैं और जो उनके एसोसिएटेड मैंने उपाय बताए थे, आपने उनको फॉलो किया होगा, सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। आने वाला सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभदान है हीरा, शुभ रुद्राक्ष छह मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। कारोबार में बढ़ोतरी संभव है। करियर के हिसाब से भी सप्ताह उत्तम है। किसी विवादित मामले को सुलझाने में सफल आप रहेंगे। इस सप्ताह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह प्रेम संबंधों के हिसाब से बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रागढ़ता आएगी। किसी नए मेहमान के आने की संभावना है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम या यात्रा पर भी जाना संभव है। इस सप्ताह यदि कोई सेहत की पीड़ाएँ थीं पुरानी, तो इस सप्ताह समाप्त होंगी। सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि रोज़ाना आप धुले हुए कपड़ों पर फोकस करें। रात के पुराने पहने हुए कपड़ों को सुबह दोबारा पहनने का दोबारा रिपीट ना करें। कहीं भी जाएं उससे पहले आपको माता का आशीर्वाद लेके जाना है। उनको आप यदि खीर का भोग लगाएंगे या माता को खीर खिलाएंगे और फिर स्वयं खाएंगे और पूरे परिवार को खिलाएंगे, तो ये भी आपके लिए शुभकारी रहेगा। आपको चाहिए कि काले रंग की गाय की सेवा करना, दही से सुबह स्नान करना, शहद, सौंफ, खंड आदि का दान करना और जीवन साथी का सम्मान करना इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और अपने आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो देखा जाए तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये सारे उपाय जो मैंने बताए, इसमें से आप कुछ कर पाएंगे, कुछ हो सकता है ना कर पाएँ। जो उपाय आप ना भी कर पाएँ, तो जो बेसिक उपाय आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको जो मदद आपसे किसी गरीब के लिए या ज़रूरतमंद के लिए हो सके, आप वो करें। आपको चाहिए कि सात्विक जीवन व्यतीत करें। आपको चाहिए कि ये हर एक राशि के जातकों के लिए हैं। तो यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, आप गरीबों को दान देते हैं, मंदिरों के प्रति आपकी आस्था रखते हैं, तो आने वाला सप्ताह ही नहीं, आने वाला पूरा जो जीवन में जितना भी टाइम आएगा वो सारा टाइम आपके लिए अच्छा बन सकता है। कोई भी ग्रह आपके प्रतिकूल नहीं रहेगा। नौ ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे। जब आपके नाइन प्लैनेट्स आपके कंट्रोल में रहेंगे तो ना आपको कभी भी आने वाले समय, बुरे समय में आपको ये फील होगा कि मेरा समय ख़राब चल रहा है। आप ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी वाले स्टेज में आ जाएंगे और वही एक स्थिति ऐसी है और मन की स्थिति ऐसी है जिसमें आपको किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी तरीका आपको लगेगा नहीं कि प्रॉब्लम है। तो आप हमेशा अपने आप को खुश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा शुभकारी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।